नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। इस बार अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर सीट बड़ी चर्चा में है। यहाँ से अभी धामी सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य विधायक है और उनके सामने प्रदीप टमटा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। प्रदीप टमटा हरीश रावत के खास है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है। खास बात यह है कि सोमेश्वर सीट का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यह सवाल पैदा होता है, जिसको देखते हुए यह सवाल पैदा होता है कि क्या रेखा आर्य इस बार यहां से इतिहास रच पाएगी। उत्तराखंड गठन के बाद अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में यहां से 2 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है और 2 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। सोमेश्वर आरक्षित विधानसभा सीट है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से रेखा आर्य ने कांग्रेस के राजेंद्र बाराकोटी को केवल 710 वोटों से हराया था। यह जो 710 का आंकड़ा है, इसी को सामने रखकर मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या रेखा आर्य इस बार यहां पर इतिहास रच पाएगी, क्योंकि नंबर एक, 2017 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और नंबर दो, 2017 के चुनाव में मोदी मैजिक लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था, यह ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद भी रेखा आर्य यहां से केवल 710 वोटों से ही जीत दर्ज कर पाई थी और इस बार तो उनके खिलाफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में रेखा आर्य ने सोमेश्वर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वह हार गई थी। 2014 के उपचुनाव में कांग्रेस ने रेखा आर्य पर दांव खेला और वह दांव सफल हो गया, वह जीत गई थी। रेखा आर्य चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची, लेकिन 2016 में रेखा आर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया और 2017 में इस सीट से एक बार फिर विधायक बन गई। ध्यान में रखना चाहिए कि 2002 में कांग्रेस से प्रदीप टमटा ने करीब 9000 वोटों से यहां से जीत दर्ज की थी। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रदीप टमटा का यह पुराना मैदान है। अब प्रदीप टमटा कह रहे हैं कि सोमेश्वर सहित पूरे उत्तराखंड में इस बार परिवर्तन की लहर है, लोग भाजपा सरकार के दौरान बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। लेकिन रेखा आर्य अपनी मेहनत के दम पर जीत का दावा कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ चुनावों में ही नहीं, हमेशा लोगों की सेवा करती है, चुनाव छोटा हो या बड़ा सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है। रेखा आर्य छोटा या बड़ा चुनाव की बात क्यों कर रही है, इसको समझना जरूरी है। रेखा आर्य दरअसल अल्मोड़ा से बहुत पहले से राजनीति करती आ रही है। वो 2003 में अल्मोड़ा में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। लेकिन सच एक और भी है और वह यह है कि रेखा आर्य समय समय पर भाजपा और कांग्रेस में आती जाती रही है। इस तरह से माना जाता है कि यहां पर उनके संबंध भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के वोटर से है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर अब तक विकास की वो छाया नहीं पहुंची है जिसकी उम्मीद सोमेश्वर के लोगों को है, वो हमेशा करते हैं। आप इसको केवल एक उदाहरण से समझ सकते हैं। प्रदीप टमटा का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो सोमेश्वर में 25 बिस्तर के अस्पताल के लिए एक भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन इस बात को 10 साल हो गए और अभी तक इनके लिए एक शासन आदेश तक जारी नहीं कर पाई है सरकार। अब चुनाव से पहले 10 बिस्तर के अस्पताल का शासन आदेश जारी किया गया है, यह चिंता की बात है। प्रदीप टमटा भाजपा को विश्वासघाती पार्टी बताते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि इन 10 सालों में उनकी पार्टी की सत्ता भी रही है और उनके मित्र हरीश रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवार रहे हैं, वो यह क्यों भूल जाते हैं। यह पहाड़ की एक कड़वी सच्चाई है। यहां पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन काम कोई करता नहीं है। अब देखना है कि सोमेश्वर विधानसभा सीट पर मौजूद 75,000 से ज्यादा मतदाता इस बार किसको विधायक के तौर पर चुनते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।